हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के इस वीडियो में मैं आपको फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ाऊंगा कि एग्जैक्टली पाइथन के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बट फीचर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा इस पाइथन की सीरीज में मैं आपके कौन कौन से टॉपिक कवर अप करूंगा। सो आई एम गोइंग टू कवर लाइक 14 टॉपिक्स इन दैट पाइथन इंट्रोडक्शन, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग, फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, ऊप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, लॉगिंग, फाइल हैंडलिंग, एक्सप्रेशन, थ्रेडिंग, नेटवर्किंग, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, टीक इंटर विच इज यूज फॉर द विंडोज एप्लीकेशन एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डीजेंगो फ्रेमवर्क। सो प्लीज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये कमिट कर रहा हूं कि मैं पाइथन की ये सीरीज कंप्लीट करूंगा। सो चलिए, आज हम बेसिकली फीचर्स ऑफ पाइथन की बात करेंगे। द फर्स्ट फीचर इज पाइथन इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेसिव? पाइथन में जब भी हम कभी कोई कोडिंग करते हैं बेसिकली वो इंग्लिश जैसी होती है, यानी कि जब भी आप कुछ लिख रहे होते हैं उसका जो मीनिंग इंग्लिश में आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली वही चीज पाइथन में होती है। सो एक लाइन लिखी हुई है, पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हेन वी रीड द पाइथन प्रोग्राम वी कैन फील लाइक रीडिंग द इंग्लिश स्टेटमेंट। सिंटेक्स इसका इतना सरल होता है कि आप पाइथन के प्रोग्राम को किसी भी दूसरी लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे, पाइथन का प्रोग्राम आपको बहुत सरल लगेगा। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लाइक दो लैंग्वेजेस का कंपैरिजन किया है इसमें। अगर आप हेलो प्रिंट कराने का सी का प्रोग्राम बनाते हैं आपको मैक्सिमम 4 or 5 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। सेम थिंग इन जावा, वी हैव टू राइट अराउंड 4 or 5 स्टेटमेंट। बट यही चीज अगर आपको पाइथन में करनी होगी आपको सिंपल एक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। सो हाउ पाइथन इज ईजी। दूसरा जो फीचर है, पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है ना, इट इज फ्रीली अवेलेबल। आपको इसके लाइसेंस के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है। मैं आपको एक टर्म और बताऊंगा, ओपन सोर्स। ये एसएच दो टर्म होते हैं, वन इज द ओपन सोर्स और सेकेंड वन इज द क्लोज्ड सोर्स। ओपन सोर्स वो होता है जिसमें हर चीज फ्रीली अवेलेबल होती है। आप इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई करो, कस्टमाइज करो और कहीं पर भी पब्लिकली शेयर करो, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट दी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और इफ आई से लाइक क्लोज्ड सोर्स, उसमें ये सारे राइट्स किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास होते हैं। सो पाइथन इज फेमस बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल। पाइथन का जो सोर्स कोड होता है वह ओपन सोर्स होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। सो पाइथन कई सारे फ्लेवर्स में आती है, जैसे सी पाइथन। आप जो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन सीख रहे हैं विच इज सी पाइथन। बेसिकली जो पाइथन प्रोग्रामिंग में जो आप कोड लिखते हैं, सोर्स कोड जो लिखते हैं, उसको बेसिकली कंपाइल और एग्जीक्यूट कराने का जो काम होता है विच इज डन बाय द सी पाइथन। यानी कि जो पाइथन का रन टाइम है, जो पाइथन की जो वर्चुअल मशीन है, उसे बेसिकली सी पाइथन कहा जाता है, विच इज डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। द डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी पाइथन। एज द नेम सजेस्ट, सी पाइथन इज रिटन इन विच लैंग्वेज? सी लैंग्वेज। आपको इसे फ्यूचर में मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, बट फिलहाल ये समझ लीजिए कि सो मेनी फ्लेवर्स वी हैव ऑफ पाइथन। जैसे जे पाइथन होता है, इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग का जो इंप्लीमेंटेशन है वो जावा के अंदर है। आप इसमें पाइथन के सोर्स कोड को जब कंपाइल करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कोड बनता है विच इज नोन एज द बाइट कोड, और उसे आप जेआरई के ऊपर क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसके बारे में आगे चल के मैं और डेप्थ में बताऊंगा। जे पाइथन का आजकल जो नाम है विच इज जायथन, ये
1999 के बाद इसके नाम में बदलाव हुआ, आजकल इसे जायथन बोलते हैं। वन इज मोर इम्प्लीमेंटेशन विच इज आयरन पाइथन। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सी शार्प लैंग्वेज में हुआ है। इसके अंदर जो पाइथन का जो सोर्स कोड होता है वह एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है विच इज अंडरस्टूड बाई द .NET प्लेटफॉर्म, .NET रन टाइम, यू कैन से .NET फ्रेमवर्क। एक होता है PyPy। PyPy इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन इन वॉट पाइथन। नॉर्मली ये कहा जाता है पाइथन का जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है विच इज नोन एज सी पाइथन वह परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा स्लो है। तो अगर आपको फास्ट मोड में अगर पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है, उसका जो कंपाइलेशन और जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा फास्ट मोड में हो, तो लोग आजकल सी पाइथन की जगह पर किसका यूज करते हैं, PyPy का। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पाइथन ओपन सोर्स है तो इसके आपको अलग अलग कस्टमाइज्ड फ्लेवर मिलेंगे। हम जो बाय डिफॉल्ट सीखते हैं विच इज नोन एज सी पाइथन। सो उन्हीं के बारे में एक एक लाइन यहां पर मैंने लिखी है। ये सारे नोट्स मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं विच इज नोन एज द infomatics.info। आप वो डिस्क्रिप्शन में भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आप यही सारे नोट्स मेरी वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा फीचर है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेवल के बेसिस पर लैंग्वेजेस दो कैटेगरी में कैटेगराइज होती हैं, वन इज द लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज द हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट होती हैं, मशीन डिपेंडेंट होती हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं, और इनकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है यह मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, प्रोग्रामर फ्रेंडली होती हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज इसमें यूज होती है। हमें लो लेवल के फीचर से किसी से कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिंपल लॉजिक पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। नेक्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसके पीछे रीजन क्या है, पाइथन का जो सोर्स कोड होता है विच इज टाइप्ड बाय अस, यह कभी भी डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है। वंस यू कंपाइल योर पाइथन कोड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इंटरमीडिएट कोड। एक इंटरमीडिएट कोड बनता है विच इज नोन एज द पाइथन बाइट कोड विच इज अंडरस्टूड बाय द PVM Python Virtual Machine. So because of the intermediate code, like Python is platform independent. इसके लिए मैंने एक डायग्राम यहां पर बनाया हुआ है। आप जो भी कोई कोड टाइप करते हैं या वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो विच इज नोन एज द सोर्स कोड, हर लैंग्वेज के पास अपना एक कंपाइलर होता है विच इज नोन एज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो सोर्स कोड को पाइथन के केस में एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर रहा है विच इज नोन एज द बाइट कोड। बाइट कोड को समझने के लिए एक रन टाइम होता है, पाइथन रन टाइम, यू कैन से वर्चुअल मशीन, जो कि बाइट कोड को इंटरप्रेट करती होगी। इंटरप्रेट का मतलब समझना, और ये बाइट कोड फिर जाकर एक नेटिव कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। सो आपका काम तो बस सोर्स कोड टाइप करना है, उसके बाद जो पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया था सी पाइथन, वो सारे ये सारे काम देखता होगा। आपने एक शब्द और सुना होगा कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेटेड? बहुत सारे लोगों को गलत मिथ होता है। मैं यहां पर एक लाइन बताऊंगा, ऐसी कोई लैंग्वेज जिसका सोर्स कोड डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है उसे हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। ऐसे ही एक और फीचर है विच इज नोन एज द पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी के बारे में आपको बता रहा था, पाइथन प्रोग्राम्स आर पोर्टेबल। पोर्टेबल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिनके सोर्स कोड को आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली ले जा सकते हैं। अगर आप वहां पर भी इस कोड को कंपाइल करेंगे तो आपको उसके सोर्स कोड में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। वी कैन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू द अनदर प्लेटफॉर्म वेरी इजीली। अब एक प्रश्न बनता है कि आखिर में पोर्टेबिलिटी में और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस होता है? तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पोर्टेबल का मतलब होता है कि ऐसा कोई सोर्स कोड या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो अपने आप को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एडेप्ट कर ले विदाउट एनी चेंज विच इज नोन एज द पोर्टेबल। एक लाइन पढ़ना चाहूंगा,
पोर्टेबिलिटी फोकसेस ऑन एडेप्टेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रिकम्पाइलिंग, यहां पर बट सोर्स कोड को रिकम्पाइल, सोर्स कोड को ही तो ले जा रहे हैं, बाय रिकम्पाइलिंग द सोर्स कोड टू मेक द बाइनरी कॉम्पेटेबल विद द टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नॉट नेसेसरी मॉडिफाइंग द सोर्स। यहां पे सोर्स कोड में कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा। बट इफ आई टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, यहां पर सोर्स कोड से मतलब नहीं होता है। वंस यू कंपाइल द सोर्स कोड इट गेट्स कन्वर्टेड इन द इंटरमीडिएट कोड। आप उस इंटरमीडिएट कोड को कहीं पर भी ले जाइए, आपको बार बार प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस इंटरमीडिएट कोड को ले जाइए, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक वर्चुअल मशीन होती है, पाइथन का एक रन टाइम होना चाहिए बस। इसे आप सी पाइथन के नाम से, जे पाइथन के नाम से, आयरन पाइथन के नाम से, पाई के नाम से जानते हैं, बस वो होना चाहिए। ये इंटरमीडिएट कोड उस पाइथन के रन टाइम में इजीली क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो पाइथन इंडिपेंडेंसी फोकसेस ऑन एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू रन ऑन वर्चुअल हार्डवेयर। वर्चुअल हार्डवेयर वही मैं पाइथन वर्चुअल मशीन की बात कर रहा हूँ, दैट इन टर्न इंटरफेसेस विद द फिजिकल हार्डवेयर। एग्जाम्पल ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस आर लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड जावा। सो इनमें से पाइथन और जावा बहुत फेमस लैंग्वेजेस है। डायनामिकली टाइप्ड, पाइथन के बारे में ये कहा जाता है कि ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगर आप बहुत टेक्निकल शब्द यूज करना चाहते हैं, इट इज द डायनामिकली सिमेंटिक लैंग्वेज। आप वेरिएबल में जिस तरह की वैल्यू रखेंगे, उस वेरिएबल का डेटा टाइप वही हो जाता है, विच मीन्स डायनामिकली टाइप्ड। बट इसके देखिए, अगर मैं इसके कंपैरिजन पर जावा के बारे में बात करूं आपसे, तो जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड या स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज होती है, जहां पर आपको पहले डेटा टाइप बताना पड़ेगा। जैसे जावा में देख रहे होंगे इंट वेर लिखना पड़ रहा है, देन वी आर एबल टू असाइन 10। बट इन द केस ऑफ द पाइथन डायरेक्टली यूज द वेरिएबल, नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप हियर। इन चीजों को और डेप्थ में आगे चल के मैं बताऊंगा। पाइथन कई सारी तरह की प्रोग्रामिंग अप्रोचेस को फॉलो करता है। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करती है। तो पाइथन सपोर्ट थ्री प्रोग्रामिंग अप्रोचेस लाइक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे POP के नाम से जानते हैं। सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे आप OOP के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड वन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तीन प्रोग्रामिंग अप्रोचेज को ये सपोर्ट करता है। एक और लाइक फीचर है एक्सटेंसिबल, वी कैन यूज द अदर लैंग्वेजेस प्रोग्राम इन पाइथन। आप पाइथन के अंदर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को भी यूज कर सकते हैं। और एक टर्म और होता है एम्बेडेड, पाइथन का प्रोग्राम दूसरी लैंग्वेजेस के साथ यूज हो सकता है। दोनों टर्म में अंतर था। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि हम दूसरी किसी लैंग्वेज के प्रोग्राम को पाइथन में यूज कर सकते हैं, और एम्बेडेड का मतलब होता है कि पाइथन के प्रोग्राम को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर एम्बेड किया जा सकता है। एंड फाइनली विच इज द लास्ट, पाइथन की लाइब्रेरी बहुत रिच है, हर चीज के लिए इसमें मॉड्यूल बना हुआ है। जैसे सी में हेडर फाइल्स होती हैं, जावा में पैकेजेस होते हैं, वैसे ही पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं। सो वी हैव सो मैनी लाइक मॉड्यूल्स विच आर रेडीमेड गिवन टू द लाइक प्रोग्रामर। दीज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द पाइथन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।